पे जी, क्योंकि वहां तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अभी तो फिलहाल सिर्फ आरक्षण और आरक्षण यही सुनवाई वहां पर दे रहा है। अब वहां पर गारंटीज कितनी काम करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप जुट जाएंगे, लेकिन वाकई अब ये गारंटी क्या महाराष्ट्र में भी एक जीत का ही मंत्र साबित होगा? जी पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से समग्र देश को इस दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और दीपोत्सव और दिवाली की शुभकामना देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में इस वक्त इस सूबे के सरकार हम उनके समर्थन में 22,23,000 दीप जला करके मात्र राष्ट्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर दिखा दिया गया है कि एक दीप जलाकर रोशनी के बीच भारत आज प्रकाशमय हो चुका है। अभी हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे मित्र कहा करते मित्र जी कह रहे थे हमारे गुलरेज भाई को कि ये कहते कहते डगमगा जाते हैं। अरे 1947 से लेकर के आपको इतना समय मिला, आप उन समय से लेकर डगमगाए हैं, अभी तक संभल नहीं पाए हैं, अपने अपने संभलने की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को राष्ट्र को इस राष्ट्रीय पटल पे विश्व को दिखा दिया है, अर्थ से लेकर के फर्श तक, छित जल गगन तक बीजेपी के कारनामा दिख रहे हैं मित्र। अरे आप सोचो अपने लिए, यश जी आप सोचिए, आपका नाम यश जरूर है, कीर्ति हमने पाई है। और रही बात हमारे मैनिफेस्टो की, तो जो संकल्प हमारा है, हमारा संकल्प है, हमारा मैनिफेस्टो संकल्प कहा गया है, आप लोगों का क्या कहा गया है, आप लोग जिसको वचन पत्र कहते हैं, तो वचन देते देते इस देश को गुमराह करके देश की जनता जान चुकी, इसलिए आपको नकारी और नकार के भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र देश में राष्ट्र के विकास के लिए काम करने के लिए आ चुकी है, संकल्प ले चुकी है। पूजा जी रही बात महाराष्ट्र की, बात आपने कहा माना कि महाराष्ट्र के राजनीति के परिधि के अंदर हमारे इस समय आरक्षण को मुद्दों को लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं ओ पो की स्थिति में बने हुए हैं। और आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को खुले हाथों से समर्थन किया है, और हमारे महाराष्ट्र से हजारों के तादाद, लेकिन आरक्षण को लेकर अभी स्थिति क्लियर की नहीं है। आप लोग जरूर समर्थन में एकनाथ शिंदे लगातार सकारात्मक होने की बात कहते जरूर आते हैं, लेकिन केंद्र से कितना साथ इस पर मिल रहा है उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। फखरुल